हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मिरर किसे कहते हैं और उनके टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती हैं मिरर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इमेज फॉर्मेशंस बाय मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर में किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है, तो इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, जैसे हमारा सूरज होता है वो बहुत दूर होता है, तो हम पहले केस में कर रहे हैं कनकेव मिरर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं कि वो बहुत ही दूर है, जैसे हमारी सन होता है, तो सन जो है वो हम मान के चलते हैं जैसे इन्फिनिटी के ऊपर है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसा ही मान के चलते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो जो भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है उससे पैरेलल रेस आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे दिस वन इज द सेकंड रे। अब ये सेकंड रे और फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होगी, तो ये हमने कुछ लॉज देखे थे कल, चार लॉज उनके बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये रेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये जिस पॉइंट से होके जाएगी वो पॉइंट होता है फोकस। तो ये दोनों ही रेस फोकस से होके जाएंगी और फोकस के ऊपर इमेज बनाएंगे। अब ये जो इमेज यहाँ फोकस के ऊपर बनाएंगे, तो इसका हमें कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं। वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं नेचर ऑफ इमेज, कि किस टाइप के नेचर है हमारी इमेज का जो इस मिरर में फॉर्म होगी। तो इस नेचर का पता करने के लिए ये आपके लिए एक ट्रिक ही है जिससे आप इसे आसानी से बता सकते हो। देखो, हमने कल बात की थी मिरर के केस में, जब हमने लेक्चर किया था उसमें हमने बात की थी इमेजेस किस टाइप के बनाते हैं मिरर हमारे, रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल एंड इराक। तो ये जो मिरर है ये कैसी इमेज बनाएगा, ये बनाएगा रियल एंड इनवर्टेड। अब इनवर्स को आपने ऐसे ही याद रखना है, रियल एंड इनवर्टेड को, जो भी हमारा मिरर रियल इमेज बनाएगा वो इनवर्टेड ही बनाएगा, और जो इनवर्टेड बनाएगा वो रियल ही बनाएगा हमेशा। तो इसे आपने ऐसे ही याद रखना है, और वर्चुअल जो भी बनाएगा वो हमेशा इरेक्ट ही इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड, ये आपने लर्न कर लेना है इन चीजों को, ये आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए। अब रियल इमेज होती है असली इमेज, वर्चुअल होती है नकली इमेज। तो असली इमेज कौन सी होती है, देखो ये रे हवा से आ रही है, मान लो यहाँ पे मीडियम हमारा एयर है, तो एयर से आ रही है, तो ये कहाँ से जा रही है, एयर से ही जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीटर को होती है, जो रिफ्लेक्टर रेज है वो असल में यहाँ पे फोकस के ऊपर मिल रही है। तो जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन असली में मिले वो हमेशा रियल इमेज ही बनाएगी, और अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ही होगी। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे एक और चीज बतानी पड़ेगी कि साइज ऑफ द इमेज क्या है। तो यहाँ पे साइज रहेगा इमेज का, क्या रहेगा साइज, तो इस वर्चुअल इरेक्ट को यहाँ से मिटा देते हैं। वर्चुअल इरेक्ट जो है वो कैसे बनेगी इमेज, वो बनती है लास्ट केस ऑफ दी कनकेव मिरर में, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो साइज यहाँ पे इमेज का क्या है, पॉइंट साइज बहुत ही छोटी है हमारी इमेज। दूसरा केस हम लेते हैं, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं यू से, ऑब्जेक्ट कहाँ गई, तो देखो अगर मैं फिर से एक कनकेव मिरर बनाता हूँ, तो इस कनकेव मिरर में हमने कुछ पॉइंट पढ़ रखे हैं, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारे पास पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कोई पॉइंट है, तो हम मान सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा पास आ गई होंगे। थोड़ा सा पास आने का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है लेकिन पास है। तो जब भी हम रेस ड्रॉ करेंगे वो हमेशा जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके सर से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये केस जो था इसमें रे ऊपर से आ रही थी नीचे से फर्स्ट केस में, क्यों, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिख रही है तो उसके सर से ही हमें रेस को बनाना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट केस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ड्रॉ कर रहे हैं जो हमेशा फोकस से जाती है, ये हमें पता है, तो इसे फोकस से ले गई। सेकेंड रे आप कहीं से भी ले जा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, फोकस से भी, और पोल से भी। मैं अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाता हूँ, तो देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाती है वो वहीं से वापस ले आती है, और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टर रेज टकराती हैं वहां पे हमेशा इमेज बनती है। तो यहाँ पे हमारी इमेज देखने को मिलेगी, और जहाँ पे ये रेज मिल रही है वहां पे इमेज का सब देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास इमेज बनेगी। अभी इमेज हमें दिख रही है, देखो ये कैसी है, उल्टी है,
उल्टी वेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो उसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और इसका साइज, तो इसका साइज और अपन साइज तो दिख रहा है लेकिन कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो इसका साइज हम बोलेंगे डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब है कि छोटा है हमारी ऑब्जेक्ट से। अब बात करेंगे थर्ड केस की। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ जाएगा, तो यू थोड़ा और पास आ गई, ये मैंने बना दिया कनकेव मिरर फिर से। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया फोकस, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कन्वेंशन। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा और पास आ गई, थोड़ा और पास आने के लिए अगला पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ कन्वेंशन। तो सेंटर ऑफ कन्वेंशन के ऊपर आ गई, एक रहेगी पैरेलल एक्सिस जो वहां से जाएगी फोकस से। दूसरी रे, दो रेस चाहिए मिनिमम हमें इमेज बनाने के लिए। तो दूसरी रे अब देखो सेंटर ऑफ कन्वेंशन नहीं बुझा सकते हैं, या तो पोल बचा या फोकस बचा, तो फोकस से भी जाते हैं। जब फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो यहां जैसे मीटअप करेगी। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। और ये यहां पे बन रही है तो ये इमेज कैसी बन रही है? ये बन रही है इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड होती है वो हमें पता है कैसी होती है? रियल। कैसी होती है? रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होती है तो इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो इनका साइज जो है जो इमेज का साइज है वो हो गया सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस में हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो और पास आ जाएगी, और पास आएगी तो कौन सा पॉइंट है? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगी अब बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ फोकस। तो हम ऑब्जेक्ट को ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस आ गया, अब हमारी ऑब्जेक्ट हमारी बिटवीन सी एंड एफ ये आ गई ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का सर तो सर से ले गई जो वहां से जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस ही जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास या तो फोकस है या पोल है, तो हम यहाँ पोल के ऊपर गिरा देते हैं इंसिडेंट लाइट को। तो इंसिडेंट लाइट ले रही पोल के ऊपर जब गिरती है तो पोल नॉर्मल की तरह काम करता है, नॉर्मल काम करता है। तो मतलब यहाँ से जो रे गिरेगी पोल के ऊपर वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी और वैसे जाएगी। तो देखो ये जहाँ पे मिल रही है दो रिफ्लेक्टेड रेस वहां पे हमारी ऑब्जेक्ट का सर होगा, तो ये इमेज का सर होगा। तो हमारी इमेज कहाँ बनी? C से पीछे बनी। और इसका साइज कैसा हो गया? अब बड़ा हो गया ऐसा हो ऑब्जेक्ट, लेकिन नेचर कैसा है? नेचर अभी भी वही है। कैसा नेचर है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ केस की। तो फिफ्थ केस में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ आएगी? तो अब अगला पॉइंट कौन सा है? फोकस। तो आ जाएगी फोकस के ऊपर U is equal to F, at F। अब फिर से हम कंकेव मिरर बनाएंगे, ये हो गया कंकेव मिरर, या गया फोकस, या गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस के ऊपर जब हमारी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम एक पैरेलल में बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी फोकस से। दूसरी रे आप कहीं से बना सकते हो, सी से भी, पी से भी, पोल से भी। तो मैं पोल का यूज कर रहा हूँ। पोल पे जो भी इंसिडेंट लाइट गिरेगी वो जाएगी पैरेलल इस तरह से, पोल से जिस एंगल पे जाएगी आएगी उसी एंगल पे वापस भी जाएगी। तो ये रे देखो ये कहीं भी मिलेगी, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी के ऊपर, ऊपर, क्योंकि ये दोनों कैसी है? पैरेलल जा रही है। और ये रेज है कैसी? तो ये रियल रेज है। तो रियल रेज कैसी इमेज बनाएगी? ये रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाएगी। और इसका साइज कैसा रहेगा? तो वेरी लार्ज साइज रहेगा इस इमेज का, वेरी लार्ज साइज। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस केस को। कहां पढ़ा? ये जो फर्स्ट केस था देखो, यहां पे हमारी ऑब्जेक्ट थी इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज बनी फोकस के ऊपर। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट, इमेज बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर। तो अब सिक्स्थ केस है हमारे पास। सिक्स्थ केस में देखो एक ही पॉइंट बचता है एफ के, एफ और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। तो यू इज बिटवीन एफ एंड पी। फिर से हम कंकेव मिरर बना रहे हैं, यह आ गया फोकस, यह आ गया पोल। अब यहां पे जब हमारी ऑब्जेक्ट होती है
तो ये एक केस है लिथियम मिरर के केस में, जब यहाँ पे वर्चुअल एंड इंटैक्ट इमेज देखने को मिलती है तो फर्स्ट रे बना देते हैं जो पैराबोलिक्स जो जाएगी फोकस से। सेकंड रे, दो रे चाहिए होती है हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए, तो सेकंड रे कोण के ऊपर जो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रेज देखो इधर को कहीं भी मिलने वाली नहीं है, ये दूर ही जाती जाएगी, तो इनको हमें मिलाना तो है, तो हम इन्हें वर्चुअली ऐसे एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ, तो ये बिहाइंड मिरर हमारी इमेज देखने को मिलेगी, और जहाँ ये रेज वर्चुअली मिल रही है वहां सब रेजिंग होने का इमेज का, तो या गैस सब या इसके बैक इंसुलेक्स के ऊपर इस टाइप की इमेज को जो सीधी है उसे बोला जाता है इरेक्ट, और ये वर्चुअल रेज है तो वर्चुअल रेज जो इमेज बनाएगी उसे बोला जाता है वर्चुअल। तो इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हो गया हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज, तो इसका साइज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो लार्ज हो सकते हैं। ओके, दीज आर द केसेस जो सिर्फ करके मिरर के केसेस थे। अब इसी टाइप के हमारे पास कन्वेक्स मिरर के भी दो केसेस रहते हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अब कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में देखो हमने जो अपनी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही लेते हैं, नहीं तो आगे हम सेंटर मेंशंस पढ़ेंगे वहां पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही लेके चलते हैं। तो हम अपने कन्वेक्स मिरर को इसी तरह से बनाएंगे कि उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहां रहे, लेफ्ट साइड ही रहे। तो कन्वेक्स मिरर सभी को पता है कैसा होता है, जिस तरह रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी होती है आउटवर्ड की तरफ होती है। तो ये हम आ गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड लाई जाएगा, फोकस राइट साइड में लाई जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो इधर पॉइंट चाहिए थे, तो इधर कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इधर दो ही केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं, एक जब हमारी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रे बन रहे, इस वन इन दी सेकंड रे। अब ये जो कन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो ये इन रेज को कहां भेजेगा, ये बाहर की तरफ भेजेगा ऐसे, जब ये रेज बाहर की तरफ जाएंगी तो इधर को तो ये कहीं भी मिलने वाली है नहीं, तो इन्हें हमें वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। और हमें पता है ये लॉ है एक तरह का कि जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से इस तरह से जाएगी वर्चुअली, जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे। अब ये वर्चुअल मिल रही है तो इनका नेचर कैसा हो गया इमेज का, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी एफ के ऊपर और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका सेकंड केस है उसको देख लेते हैं, साइज कैसा है, यहाँ पे साइज बहुत स्मॉल है, देखो हमें दिख नहीं है, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और सेकंड केस की अगर इसकी की बात करें हम, तो सेकंड केस की तरह से रहेगा, तो यहाँ पे देखो फिर से हमें एक कन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा, या ये कन्वेक्स मिरर जिसकी रेफरेंस साइड हमारी लेफ्ट साइड की तरफ। अब यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट हम ये कंसीडर करते हैं कि थोड़ा पास आ गई हमारे मिरर के, लेकिन अगर कोई पॉइंट है नहीं क्योंकि इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट साइड में रहते हैं, तो बस ये दो ही केस बनते हैं। इस सेकंड केस में क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे का और जो बाहर की तरफ ये फेंक देगा, दूसरी पोल के ऊपर फेंक सकते हैं, तो पोल के ऊपर जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये इधर को कहीं मिरर मिलेगी, देखो ये इधर जा रही है ये नीचे को जा रही है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली इस तरह से पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि वर्चुअली यहाँ मिलेगी, ये यहाँ जैसे मिल रही है, यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी है, देखो है छोटी लेकिन इसका सर ऊपर की तरफ है, तो इसका नेचर भी कैसा हो गया, इसका नेचर भी हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका साइज, तो साइज देखो छोटा ही, स्मॉल, smaller than object बोल सकते हैं। अब ये केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, करके और कन्वेक्स मिरर के, लेकिन इसमें एक बात और जानने वाली है, देखो हमारा जो ये मिरर है कन्वेक्स वाला, ये हमेशा ऐसी इमेज बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल, तो इसका यूज किया जाता है गाड़ियों के जितने भी रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनमें इस कन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। क्यों,
क्योंकि ये तो ये छोटी इमेज बना रहा है तो ये ज्यादा एरिया जो है उसे कवर कर लेता है और ये वर्चुअल और रियलिटी इमेज बनाता है, मतलब ये सीधी ही इमेज बनाता है, तब इसका यूज किया जाता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो भी रियर व्यू मिरर्स होते हैं। जबकि हम दूसरे का यूज कर लेते हैं अगर, तो देखो ये कैसी इमेज बना रहा है, रियर इन्वर्टर, रियर इन्वर्टर, रियर इन्वर्टर, सिर्फ एक केस में ये वर्चुअल रियलिटी इमेज बनाता है। अगर हम कंघी मिरर को लगा देते तो हमें गाड़ी कैसी दिखती, उल्टी चलती हुई दिखती रोड के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, कंकेव का काम किया जाता है। तो इसका यूज लास्ट वाले केस का यूज किया जाता है जब ये वर्चुअल रियलिटी इमेज बनाता है। ये ज्यादातर वॉरबल्स आपने देखे होंगे, उनके जो मिरर्स होते हैं वहां इसका यूज किया जाता है, या फिर शेपिंग क्लासेस में इनका ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।